वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर इनकम टैक्स में आज जो हम डिडक्शन देखने वाले हैं 80G डिडक्शन के बारे में। इससे पहले हम 80C, 80D और 80TTA डिडक्शन को अच्छे से सीख चुके हैं। इनकम टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, प्रीवियस वीडियो में हमने उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं 80G सेक्शन में कौन कौन सी चीजें कवर होती हैं। सबसे पहले डोनेशन अगर हमने दिया है या चैरिटी की है तो वो सभी चीजें 80G सेक्शन में हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहला विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, यानी कि अगर हम पीएम रिलीफ फंड में कोई पैसा देते हैं, जैसे आज के केस में आप देखें आजकल जो चल रहा है कोरोना से रिलेटेड जो भी फंड दिया जा रहा है और जो भी चैरिटी फंड हम दे रहे हैं डायरेक्टली पीएम रिलीफ फंड में, उसमें हमें 100% डिडक्शन अलाव होगा। सपोज अगर हमारा टैक्स बैठता है 3 लाख का और हम 3 लाख डोनेशन कर रहे हैं तो वो पूरा के पूरा हमारा डिडक्शन मिल जाएगा 100%। एक केस होता है अदर चैरिटी या डोनेशन, लाइक हमने किसी एनजीओ में पैसा दिया है या किसी ऐसे ऑर्फन चाइल्ड के रिलेटेड कोई पैसा दिया है और उसका लिखित में हमारे पास स्लिप है, तो उसमें हम 50% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कुछ और केस भी हैं जिसमें 50% या 100% में हमें क्वालिफाइंग लिमिट को देखना होता है। तो आइए देखते हैं क्वालिफाइंग लिमिट क्या ऑप्शन है, क्या उससे कैसे हमें निकालना होता है। सबसे पहले आप ये चार्ट देख सकते हैं, डोनेशन अंडर 80G के अंदर हमने अभी जो बात करी विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में, हम जितना भी पैसा पीएम रिलीफ फंड में दे रहे हैं या हम डिफेंस के लिए दे रहे हैं या स्वच्छ भारत कोर्स में दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी हम डोनेशन दे रहे हैं उसमें हमारा 100% क्लेम होता है। विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में 50% डिडक्शन हमें मिलती है। अगर हम जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड दे रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड दे रहे हैं, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में दे रहे हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन में दे रहे हैं, तो वहां पर हमें 50% डिडक्शन मिलता है। इसमें कोई हमें लिमिट सेट नहीं होती, लेकिन एक केस होता है हमारा क्वालिफाइंग लिमिट, पहला ऑप्शन आप देखेंगे विद क्वालिफाइंग लिमिट। इसके अंदर 100% और 50% में केस देखा जाता है कि हमारी ग्रोस टोटल इनकम का 10% या हमारे दिया गया डोनेशन, उन दोनों में जो मिनिमम अमाउंट होगा अब वो हमें लेना होगा। सपोज हमारा ग्रोस टोटल इनकम का 10% बैठता है 50,000 और हमने दिया है 60,000 डोनेशन, तो मिनिमम हमें 50,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। वो अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये चार्ट्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन लिंक से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पेड मेंबर हैं तो वेबसाइट पर विजिट करके भी आप वहां से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इनके बारे में हम डिटेल में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 1, हमें टैक्स को कैलकुलेट करना है और हमने वन टाइम डोनेशन दिया है पीएम रिलीफ फंड में 20,000 रुपए का। पीएफ 12% है जो कि मंथली सैलरी पर निकलेगा। मंथली सैलरी 75,000 है तो साल की सैलरी हमारी हो गई है 9 लाख रुपीज, जिसमें से 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन 2018-19 फाइनेंशियल ईयर के तहत हमने हटा दिया है। 19-20 से अगर आप निकालते हैं तो 50,000 का डिडक्शन होगा। नेट इनकम फ्रॉम सैलरी हमारी आ चुकी है 8,60,000 रुपए, तो टोटल ग्रोस इनकम हमारी आ चुकी है 8,60,000 रुपए। क्योंकि वन टाइम डोनेशन टू पीएम रिलीफ फंड में है तो ये विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में जाएगा और पूरा की पूरा हमें क्लेम मिल जाएगा 20,000 का डिडक्शन का। तो 80C में 1,08,000 रुपए ये तो हमारा पीएफ है जो कि 12% हमने निकाला है 75,000 पे जो निकलेगा मल्टीप्लाई 12। नीचे आप इसकी कैलकुलेशन भी देख सकते हैं पीएफ की, 75,000 का मल्टीप्लाई 12 यहाँ पर हमने निकाल लिया है 1,08,000 रुपए का। और हम चाहें तो एक्सेल में भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद 80TTA हमारा कुछ डिडक्शन नहीं है, 80G में हमारा 20,000 का डिडक्शन है, तो टोटल डिडक्शन हमारा हो चुका है 1,28,000 का। तो ग्रोस टोटल इनकम में से टोटल डिडक्शन घटाने के बाद 7,32,000 रुपए का हमारा आया है नेट टोटल इनकम। अब क्योंकि इनकम 5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख से 5 के बीच प्लस उसको भी क्रॉस कर रहा है, तो 12,500 प्लस हमारा जो टैक्स लगेगा वो कैलकुलेशन होके हमारा 58,900 का टैक्स आएगा। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में
और एक्सेल में भी अच्छे से देखा था, कैलकुलेशन स्टेप्स हमने पिछली वीडियो में भी देखे थे टैक्स कैलकुलेशन की, उसी के बेस पे हमारा यहाँ पर कैलकुलेट होगा टैक्स। हमें कोई रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि इनकम 3.5 लाख से ज्यादा है। अगर 3.5 लाख के बीच होती, 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच, तो मैक्सिमम रिबेट हमें 2500 मिलता। अगर हमारी इनकम, अगर हम 18-19 की जगह 19-20 के फाइनेंशियल ईयर में देखते तो मैक्सिमम रिबेट हमें तब मिलता 12,500 का, जब इनकम 5 लाख से कम होती। तो फिलहाल तो 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो हमें कोई रिबेट यहाँ पर नहीं मिलेगा। नेट टैक्स भी हमारा वही आ जाएगा और उसपे सेस हम निकालेंगे 4% का, तो 2356 रुपए हमारा निकल के आएगा, 58,900 मल्टीप्लाई 4% और टैक्स प्लस सेस हमारा फाइनल टैक्स पेड अमाउंट हमें दिख रहा है। ये सभी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, आप इनकी मैनुअली या एक्सेल में कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक और केस देखते हैं, यहाँ पर 2 केस में हमने अमाउंट लिया हुआ है, मंथली सैलरी 75,000 रुपए है, एक तरफ हमने डोनेशन दी है टेंपल में 20,000 की, दूसरे केस में हमने डोनेशन दी है 2 लाख की और पीएफ है 12%। तो मंथली सैलरी हमारी 75,000 है, साल की हमारी सैलरी 9 लाख रुपए हो गई है। दोनों केसेस में एक तरफ हमने 20,000 दिया है, दूसरी तरफ हमने 2 लाख दिया है और 12% हमारा यहाँ पर पीएफ है। तो पीएफ की कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, 75,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 12, जो कि केस हमारा ऊपर वाले क्वेश्चन में था, 1,08,000 रुपए का हमारा पीएफ अमाउंट आ चुका है। अब हमारा डोनेशन, सबसे पहले हम 50% देंगे क्योंकि ये क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर आएगा और हमारा ग्रोस टोटल इनकम का 10% और डोनेशन का कंपैरिजन करेंगे, जो मिनिमम अमाउंट होगा वो हम यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले ऊपर नीचे की तरफ चलते हैं कैलकुलेशन में, यहाँ पर हमारा ये देखिए चार्ट, यहाँ पर हमारा 8,60,000 का हमारा नेट इनकम फ्रॉम सैलरी आ चुका है, ग्रोस टोटल इनकम 8,60,000 रुपए, जो कि हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन है। उसके बाद हमारा एटीसी 1,08,000 रुपए का और यहाँ पर हमारा केस वन में अगर देखें 2 लाख का 50% आप देखें 1 लाख रुपए आ रहा है और 20,000 का 50% देखें तो 10,000 आ रहा है। अब हम देखते हैं दोनों में कौन सा हमें लेना है। पहले तो हमने यहाँ पर 10% निकाला जीटीआई, आप देखेंगे एडजस्टेड जीटीआई जो हमारा आया है 75,200 रुपए का प्लस यहाँ पर आया है हमारा, दोनों ही केसेस में हमारे जीटीआई 75,200 रुपए है। डोनेशन हमने दी थी पहले केस में 20,000 की, 20,000 का हमें पूरा क्लेम तो नहीं मिलेगा, 50% 10,000 रुपए, और दूसरे केस में था 2 लाख और 2 लाख का 50% 1 लाख रुपए। लेकिन ऊपर अगर आप देखें 10% जो है जीटीआई का वो है 75,200 रुपए और नीचे है 1 लाख रुपए, तो इन दोनों में मिनिमम जो है वही हमें मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। अब 75,200 और 10,000 में कौन सा मिनिमम है, 10,000, तो यहाँ पे हमें 10,000 की डोनेशन परमिशन मिलेगी। यानी कि आपको ये चीज देखनी होगी कि 10% जीटीआई का प्लस आपके द्वारा किया गया डोनेशन का 50%, उन दोनों में मिनिमम अमाउंट जो है वो ही हमें यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन 80G में मिलेगा। अब कैलकुलेशन प्रोसेस अगर हम फिर से देखें तो 80G में हमने यहाँ लिख दिया है 10,000 रुपए और दूसरे केस में लिख दिया है 75,200 रुपए। टोटल डिडक्शन हमारी पहले केस में है 1,18,000 और दूसरे केस में है 1,83,200। इस तरीके से हमारी नेट टोटल इनकम आई है पहले केस में 7,42,000 की और दूसरे केस में आई है 6,76,800। अब वो टैक्स वाला फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं या मैनुअली कैलकुलेट करते हैं तो इनकम हमारी 5 लाख से ऊपर है, उसका हमारा टैक्स परसेंट प्लस हमारा 12,500 कैलकुलेट होके हमारा टैक्स यहाँ पर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जो फॉर्मूला ऊपर की तरफ मैंने एक्सेल में लिखा था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। ये आप देख सकते हैं, अगर सैलरी 10 लाख से ज्यादा है तो हमारा 30% लगेगा मैक्सिमम सैलरी, जो कि आप 10 लाख में से घटा दोगे। अगर 10 लाख से ज्यादा सैलरी है
प्लस 1,12,500 रुपए। अगर आपकी सैलरी 5 लाख से ज्यादा है, जो कि हमारा अभी केस देखा हमने, तो जितने भी हमारी सैलरी है उसमें से 5 लाख घटाने के बाद उसका 20% प्लस 12,500 रुपए। 2.5 लाख से ऊपर है तो वो अमाउंट आपको 2.5 लाख घटाने के बाद उसका 5% निकालना है, और 2.5 लाख से कम है तो आपका कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। सेम केस रिबेट के लिए है, लेकिन रिबेट हमारी तभी मिलेगी जब इनकम 3.5 लाख से कम होगी हमारी। वापिस आ जाते हैं नीचे की तरफ। हमने अभी अपना GTI देख लिया है और कैसे कैलकुलेट करा वो प्रोसेस भी हम देख चुके हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर अगर हमने PM रिलीफ फंड में डोनेशन की है, सपोज सैलरी हमारी 5 लाख है और हमने 4 लाख रिलीफ फंड में दे दिए, तो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी 1 लाख बचेगी, यानी कि 4 लाख का हमें डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर उसी केस में हमने NGO या टेम्पल में दिया है तो हमें 10% चेक करना होगा। सपोज फिर से हमने सैलरी ली, इनकम फ्रॉम सैलरी हमारी 5 लाख रुपए है और हमने डोनेशन दिया है NGO में 4 लाख का, तो सबसे पहले 4 लाख का 50% देखेंगे, 2 लाख रुपए आता है, और आपकी सैलरी का 10% देखेंगे जो कि 50,000 रुपए आता है। तो आपको डोनेशन जितनी दी है यहाँ पर जो निकल के आ रहा है 2 लाख, आपको इतना डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको मिनिमम डिडक्शन मिलेगा 50,000 का। तो ये चीजें केस हमने देखनी होती है क्वालिफाइंग लिमिट में। नॉन क्वालिफाइंग लिमिट हमारा PM रिलीफ फंड और उस केस में आता है जो हमने चार्ट ऊपर देखा था। तो यहाँ पर नेट टोटल इनकम हमारी आती है 4.5 लाख, जबकि ऊपर के केस में हमारी नेट टोटल इनकम आ रही थी 1 लाख रुपए। तो ये थोड़ा सा केस है 80G का, आपको अच्छे से देखना होगा। नॉर्मली हमने अब सारे डिडक्शंस देख लिए हैं, एक और क्वेश्चंस बाकी है, इसको और देख लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास से हम और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हम ITR फाइल कैसे करेंगे वो सब आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, इनकम फ्रॉम सैलरी 5 लाख रुपए है, हमने NGO में डोनेशन करा है, 4 लाख का PF है 30,000 रुपए। सबसे पहले अगर हम एडजस्टेड इनकम देखें, क्योंकि हम जो 10% निकालते हैं एडजस्टेड इनकम, वो हमारा PF अमाउंट घटाने के बाद चेक करते हैं। तो 5 लाख में से अगर हम 30,000 घटाते हैं तो हमारा 4,70,000 रुपए का एडजस्टेड इनकम है, और यहाँ पर अगर उसका 10% देखें तो वो होता है 47,000 रुपए। अब हमारा डोनेशन है 4 लाख का NGO में, उसका 50% देखेंगे, 2 लाख रुपए है, और क्वालिफाइंग लिमिट हमें चेक करनी है तो इन दोनों में कंपैरिजन करना होगा 50% में और 10% में। आप देखें 2 लाख रुपए 50% बैठता है और GTI का 10% बैठता है 47,000 रुपए। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो मिनिमम अमाउंट 47,000 का ही हमें डिडक्शन मिलेगा। अब नीचे आप देख सकते हैं क्लियरली ग्रोस टोटल इनकम है 5 लाख रुपए, 80G में हमें मिलेगा क्लेम 47,000 रुपए का, 80C का क्लेम मिलेगा 30,000 का। तो फाइनली हमारी नेट टोटल इनकम आ चुकी है 4,23,000 रुपए। होपफुली ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार आप फिर से इनको रिवाइज कर सकते हैं, फिर से आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, होपफुली ये आपको अच्छे से आ जाएंगे। आने वाले वीडियोज में हम और भी प्रैक्टिकली क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन क्लियर करेंगे, तभी हम ITI फाइल करना अच्छे से सीख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।